असर की नमाज कब तक पढ़ सकते हैं? असर की नमाज कब तक पढ़ सकते हैं? क्या मगरिब की अजान तक असर की नमाज पढ़ी जा सकती है? सैयद इमरान बेंगलोर से। देखें, असर की नमाज उस वक्त तक कजा नहीं होती जब तक मगरिब का वक्त शुरू नहीं हो जाता। सूरज जब मुकम्मल गुरूब होगा तो असर की नमाज हो गई कजा। इससे पहले पहले जब आप असर पढ़ेंगे तो वो कजा नहीं होगी, अदा होगी। लेकिन इतनी ताखीर असर में हराम है, नाजायज है। जब सूरज एक नेजे पर, सवा नेजे पर होना, एक नेजा तकरीबन के जिस सूरज की चमक खत्म हो जाती है उस वक्त सूरज की तरफ आप आराम से देख सकते हैं। जब इतना सूरज करीब हो जाए डूबने के तो फिर मकरू वक्त शुरू हो जाता है। इतनी देर असर में जायज नहीं है, इससे पहले पहले असर पढ़ना लाजिम है। लेकिन अगर किसी ने इतनी देर कर दी, गुनाह तो हो गया मगर अब मजीद देर नहीं कर सकता, उस पर उसी वक्त लाजिम है कि असर की नमाज पढ़े। यहां तक कि सूरज गुरूब भी हो रहा है तो भी असर पढ़नी पड़ेगी उसको, लेकिन इतनी ताखीर का गुनाह होगा बहरहाल उसको। हजरत मूसा की वालदा का नाम क्या था? मोहम्मद रेहान, मुजफ्फरनगर, इंडिया। मुझे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम मालूम करना है। मैंने एक दो जगह और पता किया लेकिन मालूम नहीं हो सका। भाई आपको सारी दुनिया के सारे पैगंबरों और जितने भी लोग हैं उनकी अम्माओं के नाम याद हैं आपको या मालूम है? जब नहीं मालूम तो अगर हजरत मूसा की वालदा का नाम भी मालूम नहीं है तो इसमें क्या हो गया? तो क्यों अपने टाइम को एक ऐसी चीज़ में लगा रहे हैं जिसका कोई ना दुनिया में कोई ख़ास फ़ायदा ना आखिरत में? तो इसलिए मुझे तो पता नहीं है क्या नाम था, ना मैंने तहकीक की है। पता चल जाए तो हमें भी बता दिएगा, एक मैसेज भेज दिएगा। दाढ़ी बढ़ाने के लिए तेल लगाना, क्या हम दाढ़ी बढ़ाने वाला तेल इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ये जायज़ है या नहीं? शहबाज साहब इंडिया से। हाँ भाई जायज़ है। क्या होता है इससे, दाढ़ी बढ़ जाए अच्छी बात है।